तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल गोविंद फ्लूट। आज बांसुरी के ये सेटअप में हम जो कि हमारा सेट होते हैं और इसका बैग इस प्रकार के है, इसमें 13 फ्लूट होते हैं जो कि ई बेस से लेकर स्मॉल ई तक होते हैं। तो ये बांसुरी जाएंगे गुजरात में और इसका थ्रेडिंग कैसे है आपको दिखाते हैं एक बार। अगर वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार से बांसुरी का जो बाइंडिंग है आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वालिटी के है। ये वुडन कॉर्ड के साथ है जो कि प्रोफेशनल क्वालिटी बैम्बू फ्लूट। और इसका दोस्तों एक्चुअली बहुत गर्म है, तो दोस्तों एक तो बात है बांसुरी वुडन कॉर्क और रॉयल चैन फ्लूट। इसी प्रकार 13 फ्लूट का भी एक सेल चल रहा है जो कि बहुत ही कम कीमत में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको आप ले सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल वेल ट्यून। इसको लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप और फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9679443811, उसमें आप व्हाट्सएप करके बांसुरी के संबंधित जानकारी पा सकते हैं। और एक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए बांसुरी के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। बांसुरी मेकिंग एंड बांसुरी प्लेइंग फॉर बिगिनर्स, दोनों प्रकार के वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये बांसुरी कैसे है आप जरूर बताएंगे। ये एक प्रोफेशनल क्वालिटी बांसुरी के साथ हम एक बैग भी प्रोवाइड करते हैं जो तो बिल्कुल फ्री है। तो सब बांसुरी तो हम बजा के सुना नहीं सकते, तो मेनली जो है ईबेस, ये ईबेस के बांसुरी है। एक्चुअली माइक बज रहे तो साउंड इस प्रकार से दो एक बांसुरी हम बजाते हैं। छोटा बस हो जाते हैं, ये डी शार्प के है। बहुत सारा बस है दोस्तों, ये सी है। बांसुरी के साउंड कैसा है आप लोग जरूर बताएंगे। तो एक्चुअली सर ये बहुत सारा बांसुरी है, इस प्रकार से इतना सारा बांसुरी हम वीडियो बजाएंगे तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, तो इतना नहीं बनाएंगे। तो बांसुरी बिल्कुल वेल ट्यून प्रोफेशनल क्वालिटी है, और लेने के लिए इसका प्राइस जानने के लिए हमको व्हाट्सएप कीजिए। और बांसुरी आपको इस प्रकार एक कवर के साथ आएगा जो कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड, ये फॉर्म वाला कवर है। इसको हम हैंगिंग करके और इसका हैंडल इस प्रकार के है जो कि इस प्रकार से आप कैरी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा, इसका साउंड कैसा है, हम लोगों को जरूर कमेंट में बताइए। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम।